अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों के? सब मजे में। वही बोला था कल परसों के वीडियो कर परसों के उसमें है शायद मैं बोला था कि आप लोग को इस जिधर मैं जाता हूँ आर्मी का कैंप पूरा आर्मी एरिया पूरा मैं यहाँ जाएगा थोड़ा वीडियो में बोला आज बना के भाई लोग को दिखाते हैं वो एरिया कैसा है। अच्छा लगता है, एरिया देखने में भी खूबसूरत है, इसलिए मैं बोला आज भाई लोग को भी नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का कैसा है कैसा नहीं है। तो इसलिए वो वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन रोड रोड का वीडियो है। कोई नहीं, थोड़ा एंजॉय करो, देखो वीडियो सामने कैसा है। ये एरिया बहुत ट्रैफिक वाला, अभी सुबह का टाइम है इसलिए तो ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो ये एरिया ऐसा है कि ये तो मतलब चलने को नहीं होगा। शाम को टाइम अगर आओगे तो क्यों, मदीना अस्करिया रोड क्यों, सब आदमी को जॉब से भी छुट्टी भी टाइम हो जाता है, छुट्टी का भी टाइम हो जाता है सब आदमी का, इसलिए बहुत ट्रैफिक हो जाता है। इसलिए अभी ट्रैफिक नहीं है क्यों, सुबह का टाइम है 10 बजे का, सब जिसको जॉब पे जाना था चले गए सब, इसलिए खाली खाली रोड है सब। ये सिग्नल आ गया फिर से, पहले वेट करते हैं थोड़ा, ये भाई 1 मिनट बाकी है। आए थे आज उसी एरिया में जो एरिया बताया आप लोग को कल कल वाले वीडियो परसों वाले कल वाले वीडियो में बताया शायद, इस एरिया में थोड़ा सा वैसा है। गाड़ी माशाल्लाह देखो गाड़ी कैसा है, ये तलाजा है यहाँ का जो सब्जी और सब मतलब फ्रूट सब लेके जाने वाली गाड़ी है सभी, देख रहे हो माशाल्लाह कैसी लग रही है। तो बता रहा था मैं उसी एरिया में आज आया था, तो मैं बोला थोड़ा रोड का शॉट लेता हूँ, रोड का दिखाता हूँ भाई लोग। इस एरिया में ट्रैफिक बहुत होता है इसलिए लफड़ा है, छोटी गाड़ी इतना होता है इस एरिया में, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आने में, और रास्ता छोटा होता है ना, थोड़ा सा छोटा रास्ता की वजह से तो लफड़ा ज़्यादा होता है। बाकी
बाकी खूबसूरती की बात है तो खूबसूरती माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, पता चलता है कि यहाँ सऊदी में, और हम लोग जो एरिया में रहते हैं वो एरिया नॉर्मल एरिया, उधर चले जाओ मालूम पड़ जाता है कि हाँ आगे भाई कौन से एरिया में।